मीरा भाईंदर पोलीस कमिश्नर मधुकर पांडे व अन्य गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत तनिषा शर्मा त्यांची आई आणि परिवारांची विस्तृत चर्चा झाली. फास्ट ट्रॅक कोर्टात केस चालावी आणि या प्रकारची परिस्थिती उभी झाली त्यात जे जे जबाबदार असेल त्यांची चौकशी व्हावी अशी त्यांच्या परिवाराने आईने इच्छा व्यक्त केली आहे. पोलिसांनी पण त्याची योग्य दखल घेण्यात मान्य केलं आहे. आज महाराष्ट्र के गृह विभाग के उच्च अधिकारी मीरा भाईंदर के पोलीस कमिश्नर मधुकर पांडे इनके साथ में तुनिषा शर्मा परिवार के माताजी और बाकी रिश्तेदार के साथ में वकील के साथ में विस्तृत चर्चा हुई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चले, जरूरत पड़े तो स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाए और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उनकी भी जांच हो, इस प्रकार की मांग गृह विभाग के अधिकारी के पास की गई है. उन्होंने इस सब में स्पेशल अटेंशन देने के लिए कहा है. क्या आप लोगों की तरफ से लव जिहाद का भी जिक्र किया है, फास्ट ट्रैक की मांग आप लोग कर रहे हैं? की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस केस को मतलब कि अच्छे उस लेवल पे फास्ट ट्रैक पे उसको किया जाए और जस्टिस मिले तनिषा को और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिले. कोई शीजान तो है ही है, अगर उसकी फैमिली में कोई उसकी मदर भी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए. तो क्या आप लोगों की तरफ से लव जिहाद के एंगल को नहीं नकारा जा रहा, उसको लेकर आप लोगों ने पॉइंट? मैम वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कौन कौन से एंगल हैं, हम चाहते हैं हर एंगल से जांच हो. बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, बहुत पुलिस पूरा साथ दे रही है. बस मैं यही कहूँगी कि पूरा जस्टिस हो और ये चीज़ फास्ट ट्रैक पे चले हाईकोर्ट में, तो भी चल रहा है अभी. आप लोगों ने भी मुलाकात की, संतुष्टि मिली आप लोगों को? हाँ, मेरे को मिली पूरी. उन्होंने मेरे को कहा है, उन्होंने मेरे को पूरा वो दिया है कि आपके पूरा साथ हैं हम लोग, तो आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की. तनिषा शर्मा के विषय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं लक्ष्य दे रहे हैं. मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि न्याय मिलेगा. तनिषा शर्मा यह विषयात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः लक्ष देता है. मुख्यमंत्र्यांनी पण आश्वस्त केलाय न्याय मिळणार. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.